नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आमर कार्यक्रम सेकाळ पखाळ को आपण मानको स्वागत करछु। सेकाळ पखाळ रो प्रथम समर्पण होची नमस्कार। आज रो चर्चा प्रसंग नमस्कार, जे नमस्कार काहेकि नमस्कार कार्य कोण एवं आमर आर्यभूमि देवभूमि वेदभूमि भारत वर्ष रे नमस्कार रो क्रिया प्रतिक्रिया कोण सब छ। वेद ठारु आरंभ करी चलती पर्याय पर्यंत समय रो बहुमान धारा रे नमस्कार कार्यक्रम टी के सुदूर अतीत रु आज पर्यंत प्रलंबित ही रही। नमस्कार टी कौन नम रु अच्छे नमस्कार आकु आम कौन प्रणाम पड़ी आर भिन्न भिन्न नाम अच्छी कौटि दंडवत कौटि सलाम कौटि मान्य कौटि माइन कौटि मुंडिया यही क्रम आम कौन कर नमस्कार प्रतिवेदन कर नमस्कर्ता आउ जन हूँ नमस्कार ग्रहिता। नमस्कार ग्रहिता किए आगु सुंदर भाव आम शास्त्रीय आधार गोटी अच्छी सर्वं देवा नमस्कार केशव प्रति गच्छति प्रत्येक आकाश रु बिंदु बिंदु जल आसिक गोटे नई हुए नईटी समुद्र में मिशे सेमती प्रत्येक नमस्कार ठाकुर प्रति नवेदित होता है। जी जे जहाँ नमस्कार करे नमस्कर्ता ग्रहिता हूँ स्वयं दिव्य स्वरूप स्वयं विष्णु स्वरूप स्वयं केशव तेणु आम कौन दंडवत दंड शब्द अर्थ बाड़ी बत शब्द अर्थ हूँ भली तेणु बाड़ी भली पड़ी जावा जोटा कौन साष्टांग हूँ मुंडिया मार्ग माइन हूँ नमस्कार भावभंगी स्वतंत्र आम संस्कृति आम जे प्रत्येक ऋतु को नमस्कार करू आ श्राद्धादि क्रिया पितृतर्पण से आम पितृपुरुष को नमस्कार करूँ आम घर आगे जो चौराटी अच्छा जो वृंदावती आम नमस्कार करूँ जो माता को पिता को गुरु को वयोज्येष्ठ को गुरुजन को आम नमस्कार कर नमस्कार विधि विधान हूँ स्वतंत्र जदि तीन चार जन वयस्क लोक अच्छा जदि किए कनिष्ठ मुंडिया टे मार नमस्कार टे कर जन को नमस्कार कला मात्रे से आउ दु तीन जन को एक खाली नमस्कार करने पड़ता है कहीं अन्न मान प्रति काले अवमानना हम एवं सी नमस्कार करुंतर निजर पारिवारिक संस्कार एवं सामाजिक संस्कार प्रतिवेदन से प्रकाश कर आमर विदेशी संस्कृति अनुप्रवेश फल संक्रमण फल आम नमस्कार जगह गुड मॉर्निंग गुड डे गुड आफ्टरनून आ गुड इवनिंग गुड नाइट ये सब शब्द आम प्रचलन कर सारे आम संस्कृति भितर कि विचार कर सका मर्णिंग कहे एकदम प्रातः कथा दिन दसटा बेले जन जन कह गुड मर्णिंग ये गुड मर्णिंग न कहे कौन सका आसुनी ये नमस्कार क्या क्या सहित कथबार्ता करने नमस्कार गोटे बाहाना हो पाए एवं कथ आरंभ ये घटना घटे आमर जो नमस्कार प्रतिवेदन अच्छी जे बसंताय नमस्तुभ्यम ग्रीष्माय च जो बसंत को नमस्कार करवा ग्रीष्म को नमस्कार करवा प्रत्येक ऋतु को नमस्कार करवा देवता को नमस्कार करवा मुनि ऋषि आरंभ कर शिक्षक गुरु गुरुजन पितृपुरुष प्रत्येक को नमस्कार कर आम संस्कृति विधि आम पिला कालर आम पिला नमस्कार विधि सहित संपृक्त कराऊ जे चलती समय जो आम चल प्ले स्कूल छोट पिला पहुंचला गुड मॉर्निंग मैम ये जो जिनस ना एवं को चली कितु नमस्कार रे गुरु माँ को जे गुरुदेव जे अंधकार रु ज्ञान आलोक को आनी पहुँचाती जदि आम नमस्कार टे प्रतिवेदन न करें पाच कणु आमर संस्कृति रे प्रकृत रे नमस्कार प्रणाम आ दंडवत जो साष्टांग यू जिनस आगुला आज भी बहुत स्थल अच्छी आर्यभूमि वेदभूमि देवभूमि सनातन धर्म रे भारत वर्ष रे ईसु प्रतिक्रिया स्वतंत्र सारा विश्व को ये मध्य गोटे सुंदर भाव एवं सुंदर भाव गोटे दृष्टांत देछि एवं कोविड महामारी चलती समस्ते किए का सहित करमर्दन करुले किंतु एवं से नमस्कार प्रतिक्रिया आसी कहीं का सहित करमर्दन करा ठार बर जे आम जब दूर नमस्कार के प्रतिवेदन कर नमस्कर्ता किसी उणा हो नमस्कार ग्रहिता किसी उणा हो ना यही क्रम समाज में आम चलप्रचल होगा अधिकांश
ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବା ଦିଅଁ ଦେବୀ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ହସ୍ତ ମୁଦ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେ ପୁରୋହିତକୁ ଯଜମାନ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ, ପୁରୋହିତ ମୁଠୁଣି ଟେକିକି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗରାର ନମସ୍କାର, ନା ନା ନମସ୍କାର, ଆଉ ଗୋସେଇ ନମସ୍କାର କି ସାର ନମସ୍କାର, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଟୁଙ୍ଗରା ହଉଛି, ଆଉ ଜଣକ ନମସ୍କାର, ମାନେ ସିଏ ହୃଦୟରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଛାତି ଅଛି, ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ତମେ ଜାଣ। ଇଏ ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ଯେ ଆମର ଯେ ମୁଦ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଇ ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଠଟି ଅଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ଲଗେଇକିରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଣିଟା ବା ଠେଙ୍ଗାଟାକୁ ଆମେ ତଳେ ପକେଇଦେଲେ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ ମାଟିରେ ବା ଭୂମିରେ, ସେମିତି ଆଲମ୍ବ ଭାବରେ ଠିଆ ନ ହୋଇକିରି ଆମେ ନମ୍ର ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନମସ୍କାର ସହ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ବା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ, ଯେ ଆଠଟି ଅଙ୍ଗ ଭୂମି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହଉଛି। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ନମ୍ରତା ନିବେଦନ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଯେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବୋହୂ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କାଳେ ତାଙ୍କର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବୋହୂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦିତ ହେଇଯାଏ। ଅହିସୁଲକ୍ଷଣ ହେଇଥା ପାଚିଲା ବେଳରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହା, ସାଡୁ କଲ୍ୟାଣ ଆସେ, ଆଡ଼େ ନମସ୍କାର ଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଦପାତରେ ବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆସିଛି ନମସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଇ ନମସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।